अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो व्यूअर्स, ये है मॉर्निंग का व्यू। बहुत ही खूबसूरत वेदर था आज, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और जल्द ही लग रहा था कि बारिश भी हो जाएगी। बहुत ही प्यारे ये क्लाउड्स, समर में ऐसा वेदर बहुत अच्छा लगता है। ये मैं लंच के लिए रेडी कर रही हूँ। मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक रोस्ट फुल चिकन पीस लिया है। तो इसको मैंने पानी में डिप कर दिया सिरका ऐड करके 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया। मसाले के लिए मैंने लिए है यहाँ 4 से 5 लीमों का जूस। उसमें मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, कुटी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सोया सॉस, केचप और थोड़ा सा शहद। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने फॉइल को सेट किया है ट्रे में। अब हम चिकन पे लगाएंगे मसाला। ये जो हम मसाला हमने तैयार किया था, इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। हाथों की मदद से मैंने तमाम चिकन पे अच्छे से इसको मैरिनेट कर दिया था। अब एक और फॉइल का पीस लेके मैं इसको कवर करूंगी। बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। एक फॉइल पीस से ये कवर नहीं हो रहा था, तो यहाँ मैंने एक और पीस लेके अच्छे से, क्योंकि इसको कवर करना था, तो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से कवर कर लिया। अब मैं इसको रखूंगी ओवन में। ओवन को मैंने पहले ही ऑन कर लिया था। हीट पे मैंने ऊपर और नीचे को दोनों साइड से हम इसको हीट देनी है। और टाइमिंग इसकी मैंने 1 घंटा रखी थी। जी तो 1 घंटे के बाद ये रहा हमारा चिकन। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन तैयार हुआ था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट था, बहुत ही मज़े का। फिर मैंने इसे डिश आउट किया। एक ट्रे में मैंने सलाद को सेट किया और उसके ऊपर इस रोस्ट को रख दिया। मैंने धनिया को बारीक बारीक कट करके रखा हुआ था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया श्रिंक करूंगी। बहुत ही टेस्टी लंच हमारा हो गया था। आज वीकेंड था, तो हमने प्लान किया हुआ था कि बच्चों को लेके जाएंगे बाहर। तो हम आ गए यहाँ पर बच्चों को लेकर पार्क में। इस पार्क का नाम था सिटी वॉक फूड पार्क। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पार्क बनाया गया है। पार्क के अंदर आपको 2-3 ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहले हम आए इस साइड पर। यहाँ पर फूड सिस्टम भी था, रेस्टोरेंट से प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए, ओपन प्ले एरिया था। यहाँ से वॉक करते हुए हम आगे को चलते गए और इस तरह से ये ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टिकट्स लेनी होंगी। जो भी आपके बच्चे एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसकी टिकट बाय करनी पड़ती है। फिर यहाँ से आगे गए तो यहाँ इतनी ऑप्शंस थी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ था। यहाँ पर तमाम एज के लोगों के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर रखा हुआ था। लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये एरिया जो है, ये आउटडोर प्ले एरिया है। इसके सामने एक और बहुत बड़ा सुपर स्क्वायर के नाम से था, जिस जो कि इंडोर प्ले एरिया था बच्चों के लिए, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर इसके राइट साइड पे स्काईलैंड लिखा हुआ है। और उसके अंदर अगर हम जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा झूले बच्चों के लिए रखे हुए हैं। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी, हर जगह तमाम एज के लिए इन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी। मेरे बच्चों को तो ये छोटे जंपिंग और यहाँ पर ये बॉलिंग वाला एरिया बहुत पसंद आता है, तो हमने इनके लिए ये टिकट्स ली। एक साइड पर रेस्टोरेंट थे और सेंटर में सीटिंग एरिया बनाया गया था, और राइट साइड पे प्ले एरिया था, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को आराम से देख सकते थे।
खाना पीना करने के बाद हम निकले जॉयलैंड की तरफ, और यहाँ जाकर हमने सोचा बच्चों को राइड्स दिलवाई जाएं। यहाँ हम जॉयलैंड की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हमें बताया गया कि जॉयलैंड के लिए एंट्री के लिए आपको लेनी पड़ेगी टिकट। तो हमने बाय की सबसे पहले टिकट, और हमें ये भी बताया गया कि 11 o'clock ये बंद हो जाता है। तो हमारे पास बहुत कम टाइम था, तो हमने सोचा कि जल्दी जल्दी बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करवाया जाए। यहाँ से एंटर होते ही बहुत प्यारा व्यू जो कि नज़र आया बिल्कुल सामने, हमें ये ढेर सारे लॉलीपॉप्स नज़र आए जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ही नीट और बहुत ही प्यारा पार्क बनाया गया है। लॉलीपॉप्स को देख के बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे और उनको हो रहा था कि हम इन्हें खा लें। फिर हम बच्चों को इन लॉलीपॉप्स के बीच में गुजारते हुए आगे लेकर गए। यहाँ पर हर तरह के झूले थे, तो हमने सोचा कि कौन से झूले हैं जो छोटे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखना चाह रहे थे। जैसे ही हम ऊपर को चले लगे तो सामने आ गई ट्रेन, बहुत प्यारी ट्रेन थी। तो हमने डिसाइड किया सबसे पहले हम बैठेंगे इस ट्रेन में, और ऐसा नहीं है कि बाहर आपने टिकट ले ली तो अंदर आपको झूलों के लिए टिकट्स नहीं लेनी पड़ेंगी। अमूमन पार्क के बाहर में वो बैंड वाला सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर अंदर आकर आपने जो जो झूला लेना है उसकी अलग अलग टिकट्स लेनी होंगी। इस तरह की चीज़ें, पार्क वगैरह, ये बच्चों के लिए एक्टिविटीज ज़रूर होनी चाहिए, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि वीक में एक बार हम बच्चों को ज़रूर किसी ना किसी ऐसे प्ले एरिया या पार्क्स में या ऐसी जगहों पर लेकर जाएं। और भी बहुत अच्छे अच्छे झूले नज़र आ रहे थे और बच्चे तो तमाम झूलों पर बैठना चाहते थे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो हमने मज़ीद एक और ये हॉर्स, ये राउंड में जो मूव करता है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, ये भी बच्चों को इंजॉय करवाया। और इसके अलावा मज़ीद झूले नहीं ले सकते थे क्योंकि टाइम बहुत कम था, हमें पहले ही बता दिया गया था कि 11 बजे पार्क बंद हो जाएगा। जी, तो अब हम जा रहे थे वापस घर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हाज़िर होंगी, अल्लाह हाफिज़।